सबसे रिक्वेस्ट है हमारे योगी सरकार से कि इन जो भी तीनों लोग हैं उन लोग का जो छानबीन भी हो जाए। एक्टर हैं, राधा भाभी, गोरखपुरिया भाऊ जी, गल्लू भाई, इनको जांच किया जाए। आप प्लीज, अगर निर्दोष हैं तो इनको छोड़ दिया। तो भैया जो YouTube पर आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो में गाली मत दीजिए किसी को भी, चाहे वो बड़े रहे चाहे छोटे रहे देखिए, चाहे कोई भी। ये चीजें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि देखिए सबके माँ बेटी बहने हैं, सब यूट्यूब पे लोग देखते हैं, तो ये चीज कोई किसी का अच्छा चीज नहीं कहेगा। हम ओके चाहे आप किसी का मजबूर न कीजिए कि कोई व्यक्ति कदम उठाए। आप लोग का अभी तक आप लोग पेट सुने हुए किसी पेट पेट नहीं भरा, मालती नहीं है इस दुनिया में, देख रहे हैं कि उनका देखिए जान तो चले गया। टॉर्चर से बहुत लोग मर जाएंगे ना जी। ठीक है, तो ये चीज है ना, किसी का हाँ माने किसी के चलते किसी के जान जाए तो अच्छा नहीं रहता। ये आप लोग सोचिए कि हमारे चलते 10 गो लोग जिए खाए, ये चीज आपको सोचावट रहना चाहिए। कोई भाई की इस दुनिया में है क्या, बताइए? सब माटी का शरीर एक दिन माटी माटी में में मिल मिल गया, जाएगा। कोई यहाँ पर नहीं कुछ लेके आया है कुछ जाएगा, बस श्री मानुष के तन पाया है तो जी खा लीजिए, इसी में भलाई है, अच्छा रहेगा। मरने के बाद पता चलता है, जिस दिन मौत की घड़ी लोग उस दिन नियर आ जाता बढ़िया है। लोग ठीक भी नहीं है, पूछते हैं ना, जो अपना रहता है वो भी नहीं पूछता है ना दड़ा तक छूता नहीं है। जाता है, तो इसलिए आप लोग अच्छा काम कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, हंसते रहिए, सबसे बोलिए बतिए कितना अच्छा रहेगा। अच्छी ये और मिल के हम लोग बताइए, वीडियो बनाते तो कितना अच्छा लगता। छोड़िए ना, वीडियो का अलग बात है, बाकी हम ये बात बोल रहे। ठीक है, किसी से मिलिए चाहे ना मिलिए, उससे दिक्कत नहीं, अपने में खुश रहिए, अपने से वीडियो बनाइए, कितना अच्छा लगेगा, कितना प्यारा लगेगा। अब ये नहीं कि यूट्यूब पर आकर किसी के गाली गलौज दीजिए, तो ये चीज़ शोभा नहीं लगता है। हर किसी के मजबूर मत कीजिए, कुछ बोलने पर ये चीजें हो जाता है। तो कोई भी इंसान आप करते रहिएगा तो लोग, ठीक है, अगला अगर टूटा है नहीं बोल रहा है तो दूसरों वाला के सामने वाला का होता है कि वो गलत चीजें बोल रहे हैं उनके बारे में, तो हमको ये चीज बोलना चाहिए। हम भी बोले हैं ये चीजों के, हम मान रहे कि बोले हैं। तो गोरखपुरिया भाभी तो कई महीने दिन से बोल रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन है बहुत लोग क्या क्या नहीं उनको बोले हैं। हाँ एक बार आपको पता है मालती भाभी जिंदा थी तो लोग गाली दे रहे थे खूब गोरखपुरिया भाभी को, जी बिल्कुल, हम जो जानते कि हैं, चंदा भाभी थी, लोग थी, पता ना किस चीज के लेकर मैटर वो हुआ था। हम जानते हैं, इन लोग सब चीज जानते थे, इसीलिए ना बोले कि कभी ऐसा आप लोग हमेशा काम कीजिए कि हम एक दूसरे के बोलने लायक रहे, सामने खड़ा तो होने लायक रहे। बड़े तो उनको आदर करना चाहिए, कितना छोटे तो अजीब इसे की बाहर बात है रहना कि दो चाहिए। दो साल तीन तीन साल का बच्चा छोड़ छोड़ के इधर उधर है। राधा दीदी है, गोरखपुरिया भाभी है, देखिए कोई शौकन नहीं रहता है, सही बात है, अजीब मजबूरी से लग रहता है रहा तो है हमको भी। हर देखिए बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है। हमारा देखिए हमको इस माने ये चीजें में हमको अच्छा नहीं लगता पढ़ना, बाकी देखा नहीं गया यार। हम भी लोग इंसान हैं, देखिए इंसान इंसान के नहीं सपोर्ट करेगा था किसको। हमको देखिए अजीब से लग रहा था, ये सब बोल रहे थे तब, माने कि ये लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना नौकरी चाकरी वाले हैं, कुछ भी बोले जाते हैं, कुछ भी देखिए लगता है सुनिए कि देखिए हम बता रहे हैं, लगता है कि इनको हाथ में कोर्ट कचहरी है, पुलिस थाना है। तो प्लीज, योगी बाबा के सरकार है, सबके इसमें अन्याय मिलता है, और सबके इसमें जो गलत काम करता है उसको सजा होता है, जो सही करता है उसको सही तरीके तरीका से से उनको निकाला जाता है। तो हम मानते हैं कि ये लोग फंसी हैं, हम मान रहे हैं गलत किए, हम तो एक ठीक है, चीज के किसी मान को रहे हैं कि गलत किए निकालने में हैं। ना ठीक, फंसे हैं लोग। हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं कि इन लोग गलत किए हैं, ठीक है, मगर आप लोग ठीक है, सपोर्ट वो लोग करिए लड़ते, चाहे FIR हुआ तो वो लोग जाते जेल, जाते बेल तो क्या करा वो लोग के जाते तो हम आते। लोग देखते हैं, सपोर्ट नहीं, नहीं करते हैं। एगो बात बोल, हम का बोल रहे हैं, तुम इसीलिए बोल रहे हैं चुप रहो। वो लोग के ऊपर मैंने जो भी FIR हुआ वो लोग जाते, फिर बेल होता का जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो होती, तो ठीक है, ये चीज तो उन लोगों पर हुआ। बाकी है दो लोग हैं बिना पेनी के लोटा इधर से उधर ड्रगते रहते हैं, ये इतना उन लोगों पे चढ़ाचा किया कि उन साफ पलटी मार दिए, नहीं होता है ये और चीजें, नहीं होना पाकिस्तान चाहिए हिंदुस्तान हो गया है जी। इंसान वेदा में ना, हम अरे लोग में तो कुछ लड़ाई ऐसे चलता है शर्म ना। करो,
कुछ शर्म करो मनुष्य के नाम पे। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में लड़ाई चलती है, हम लोग हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी दुख में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक ना। और किस काम का सपोर्ट, किस सुख का करेंगे? और सपोर्ट माने होता है हम पैसा देंगे वहाँ पर जाएंगे तभी। नहीं नहीं, एक एक है ना अंजलि नाम से है चैनल कोई, तो बोले कि गोरखपुरिया भाभी कबूल करें कि हम गलती किए हैं, एक दो सेकंड का वीडियो हमारे बारे में बना के छोड़े, तब हम उनको उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। अच्छा, तो इस चीजों का हमको जानकारी नहीं है, अगर इस चीज की जानकारी हो, जिस चीज का हमको जानकारी रहता है वही चीज बोलते हैं। तो उनको अगर ऐसा लगा कि कौन गलती है कौन नहीं, अंजलि चाहे कोई भी नाम मत लो, ऐसा क्या है हम नहीं बोलना चाहते, वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। यही बात है कि मजबूरी के सब फायदा ना उठाइए कोई भी, तो उनकी मजबूरी पे वो फायदा ही उठा रहे हैं, देखें पूरा वीडियो। चलिए कोई बात ना, हम देखेंगे तब उसको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। जवाब देने की बात नहीं है, देखिए जवाब ये जरूरी नहीं है कि आप गलिया सकते हैं, किसी के प्यार से भी समझा सकते हैं, कोई भी इंसान ही हो। नहीं वो ऐसे बात बोले है कि जैसे लग रहा है ना कि हम थूक के चटा रहे हैं, ऐसे बात बोले वीडियो देखे। सब लोग इंसान है, ऐसा मत कीजिए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है मजबूर मत कीजिए। तो देखिए किसी का भी हम होके चाहे कोई किसी का भी जानकारी दे रहा है ना यूट्यूब के बारे में, सब लोग हमारे परिवार है, भाई है चाहे जो भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के बारे में भी। मजबूरी होकर आप लोग को कुछ बोलना पड़ा था प्लीज। जय हिंद जय भारत। आप लोग ऐसा मत कीजिए कि हमको अगला वीडियो फिर ऐसा ही बनाना पड़े, हम तो सोच रहे कि जल्द से जल्द किसी को बिगाड़ा माने दुख पे नहीं साथ दे सकते ना, तो उसके बारे में वीडियो भी नहीं बनाना। मत बनाइए, कोई साथ नहीं देना, मत दीजिए कोई वीडियो ही मत बनाइए, उसको फोटो भी मत लगाइए, उसको थंबनेल भी मत लगाइए, कुछ भी मत लगाइए। आप अपना कंटेंट डालिए, जरूरी नहीं है कि आप सपोर्ट करेंगे। हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो नई वीडियो बनाते तभी भी करते हैं। हमारे पास नंबर था लेकिन अभी कौन सा मोबाइल में है हमको नहीं पता है, अब नहीं तो उनको बातें करना होता तो हम नहीं फोन करते गोरखपुरिया भाभी को। देखिए सबके नंबर है, बाकी देखिए जरूरी हम बोले ना कि बात कि जरूरी नहीं है कि हम पैसा देंगे तभी सपोर्ट हुआ, जरूर है कम उनको चलते जान दे तभी सपोर्ट हुआ, ठीक है। हाँ उनके दिल में हौसला होगा, एक हम लोग दुआ की आप लोग मनाइए कि जाए FIR हुआ है जिसमें से नाम हटाया जाए। सब लोग देखिए हम लोग छोटा परिवार है, सब गरीबी फैमिली से आता है तभी काम लोग कर रहे हैं, हम भी लोग अमीर रहते तो काम नहीं करते, ये बात है। तो बार बार हमारे मुख्यमंत्री योगी जिसे बार बार रिक्वेस्ट है ये चीजों की, हम लोग की बात वहां तक पहुंचती होगी कि नहीं होगी, बाकी पुलिस प्रशासन से उपी का हम कहना चाहते हैं यही कि प्लीज आप लोग इस चीज के जांच कीजिए, अगर इन लोगों के दोष है तो ठीक है सजा दीजिए, अगर निर्दोष है तो इनको FIR जो भी हुआ है वो हटाया जाए, नाम कटवाया जाए, और इसके बाद इन लोगों के गल्लू भाई के अगर अरेस्ट किए तो छोड़ दिया जाए, यही होता है मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा चीज़ों के लिए बिगड़ जाता है तो थोड़ा सा बात के लिए वहाँ पर बिगड़ गया, जो देखिए वही कहा गया कि खेत का गादा है अमार खाई जोला, तो कौन गलती किया इसमें कौन साजा काट रहा है वो तो बात सही है, बाकी देखिए तो चलिए दोस्तों कोई बात देखिए मेन पॉइंट ये होता है कानून तो कानून होता है, हम भी मानते हैं ये चीज़ के लोग मानते हैं पहले से भी, कानून के नज़र में ऐसा चीज़ें ना हो तो अच्छा है, बाकी प्लीज जो हो गया है वो हो गया है, अब कौन किया है ना किया है भगवान जाने, बाकी ठीक है हर इंसान से गलती होता है। बकीर एक बार हम गोरखपुर पुलिस प्रशासन DSP से गुहार कर रहे हैं कि प्लीज इन लोगों की जांच किया जाए, अगर गलत नहीं है तो इन लोगों को छोड़ा जाए, FIR जो भी हुआ है इसमें से नाम हटाया जाए, इसलिए कि ताकि इन लोगों का सबके बाल बच्चा है परिवार है किसी के भी सब लोग बेटा है उनका भी बेटा है, तो ये चीजें ना हो किसी के परिवार के ऊपर, दुख बहुत अच्छा नहीं लगता ये चीज़, ये तो हम ही समझ सकते हैं कि एक हम लोग परिवार है, एक परिवार वाला लोग समझ सकते हैं कि एक दूसरे पे कुछ होता है तो कहाँ गुजरता है, लोग समझते हैं कहाँ तक जान हम जान दे दे कि हमारा परिवार छूट के चले आए, कुछ
कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर गुजरा नहीं है। बाकी हम देखते हैं हर चीज़ ये चीज़, हमको ये चीज़ के उतना नॉलेज नहीं है, बाकी हमको मालूम है जहाँ तक कि। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का कुछ गलती लगा होगा तो इसके लिए सॉरी। प्लीज आप लोग देखिए, मजबूर मत कीजिए किसी का बोलने पर कि हद से बाहर होता है। देखिए कोई भी गाली देगा ना तो जो जिसके बारे में आप गाली देंगे वो कहेगा ना कि गोरखपुरी वाली बात अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी हम आप लोग से स्पेशल वो वीडियो बना देंगे कभी, और ऐसा दिन आएगा तब कि ये चीज हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा आकर हमको बोलना पड़ रहा है मजबूरन, तो इसके लिए प्लीज सॉरी माफी चाहते हैं।